इंडिया में फॉर्चुनर अगर भोकाल है तो फॉर्चुनर लेजेंडर उसका भी बाप है। और इस कार की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसके प्राइस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और आज अगेन फिर से इसके प्राइस जो है बढ़ चुके हैं। तो इसकी जो नई प्राइस रेंज आई है उन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं कार का। कार के अंदर हमें कैसे इंजन स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, कार के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर और कार में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कार के प्राइस के बारे में जो कि अपडेट हो चुके हैं। तो नॉर्मल फॉर्चूनर अभी तक आपको मिल जाती थी 33.43 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस पर मिल जाती थी, जो कि 4x2 वाला वेरियंट था। एंड ऑल 4x2 वाले वेरियंट के ऊपर आपको 44,000 रुपए एक्स्ट्रा एक्स शोरूम प्राइस अब पे करने होंगे। तो अब जो है अपडेटेड प्राइस जो रहने वाले हैं वो है 33,90,000 के समथिंग एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी आपको, जिसमें कि इसका बेस मॉडल ही आपको मिल पाएगा। एंड सामने जो मॉडल आप देख रहे हैं ये है फॉर्च्यूनर लेजेंडर का 4x2 वाला वेरिएंट, तो इसके ऊपर भी जो है 44,000 रुपीज बढ़ा दिए गए हैं एक्स शोरूम प्राइस। तो अब तक ये आपको 43.66 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस पर मिलती थी, बट अभी आपको मिलेगी 44 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस पर। एंड इसका 4x4 वाला वेरिएंट जिसके ऊपर हमें 70,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो अब फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 के प्राइस 48 लाख रुपीज से भी ज्यादा एक्स शोरूम प्राइस पे करने होंगे। बाकी ऑन रोड आते हैं तो ये कार आपको 50 लाख से भी ऊपर की पड़ेगी। बाकी गाइस मेन लिए भी बात कर लेते हैं कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इंजन इस कार के अंदर काफी तकड़ा मिलता है। वैसे तो इसमें पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल है, बट वो नॉर्मल फॉर्च्यूनर वाले मॉडल के अंदर ही अवेलेबल है, लेजेंडर मॉडल के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ आपको डीजल ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल देखने को मिलती है, जो कि है 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 201 bhp की और 500 nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा है। और फॉर्च्यूनर लेजेंडर सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल देखने को मिलेगी। मैनुअल ऑप्शन भी इस कार के अंदर अवेलेबल है, बट वो नॉर्मल फॉर्च्यूनर के अंदर है। एंड ये कार हमें 4x2 एंड 4x4 ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल देखने को मिल जाती है। और कार के डायमेंशन इतने तकड़े हैं कि रोड प्रेजेंस अलग ही निकल कर आती है। एंड सेफ्टी के बारे में बात करूं तो ये कार 5-स्टार रेटेड कार है, तो इस कार की सेफ्टी पर कोई शक नहीं है। तो मेनली गाइस अभी बात कर लेता हूं कार के एक्सटीरियर लुक के बारे में। एंड एक्सटीरियर लुक से पहले इस कार की चाबी दिखा देता हूं। तो कुछ इस टाइप की आपको चाबी देखने को मिल जाती है इसके अंदर। दोनों ही चाबियां आपको स्मार्ट की सेटअप के साथ मिलती हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक एंड बूट एक्सेस का बटन एंड टोयोटा का लोगो, कीलेस एंट्री वगैरह सभी कुछ यहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ है। एंड बात कर लेता हूँ कार के एक्सटीरियर लुक के बारे में। फ्रंट से देखने में कार काफी ज्यादा एग्रेसिव है, तो फ्रंट की साइड आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको LED DRLs मिल जाती हैं। एंड इसी के अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ देखने को मिलते हैं, जिनकी थ्रो काफी बढ़िया है। एंड नीचे की साइड आपको फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं, कंप्लीट LED में ही रहने वाले हैं। एंड उसी के नीचे आपको जो है पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इतनी बड़ी डायमेंशन वाली कार में होने चाहिए। पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ ही फ्रंट ग्रिल रहने वाली है, नीचे की साइड आपको रेडिएटर ग्रिल, एंड नीचे की साइड आपको प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह दी गई है, स्प्लैशेस वगैरह नहीं आती कीचड़ में निकालते हुए। एंड स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर की, यहाँ पर आपको इंडिकेटर एंड मल्टी फंक्शन के साथ DRLs वाली प्लेसिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इंडिकेटर एंड DRL का दोनों का ही काम करते हैं। बाकी ओवरऑल फ्रंट से देखने में कार काफी ज्यादा एग्रेसिव लगती है। ओवरऑल फ्रंट लुक कार कुछ टाइप के हैं। मेनली भी बात कर लेते हैं कार के साइड लुक के बारे में। तो साइड से देखने में भी कार काफी ज्यादा बिग साइज की लगती है एंड काफी ज्यादा स्पोर्टियर से लुक आते हैं इसके साइड से देखने में। 47 and 95 mm की इसकी लंबाई रहने वाली है और 27 and 45 mm का इसका व्हील बेस है। एंड इधर की साइड आते हैं तो फ्रंट की साइड आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको क्रोम गार्निशिंग का भी यूज किया गया अलॉय व्हील के ऊपर, प्रिसिजन कट में अलॉय व्हील रहने वाले हैं, R18 inches के यहाँ पर अलॉय व्हील मिल जाते हैं। बाकी ऊपर की साइड ये मैट ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ क्लैडिंग्स वगैरह प्रॉपर दी गई हैं एंड मड फ्लैप वगैरह भी काफी बड़े साइज के दिए गए हैं। एंड नीचे के साइड ये आपको साइड स्टेप मिल जाते हैं, जिनके ऊपर आप पैर रख के इजीली ऊपर बैठ सकते हैं कार के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार की हाइट काफी ऊंची है। एंड अभी बात कर लेता हूं कार के ORVM के बारे में। तो यहां पर आपको इंडिकेटर की प्लेसिंग मिल जाती है एंड ये बॉडी कलर में ही देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड यहां पर आपको डोर हैंडल्स क्रोम बैजेस के साथ मिलते हैं, विद रिक्वेस्ट सेंसर्स भी यहीं पर ही देखने को मिल जाता है। एंड पिलर्स यहां पर जो है कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट रहने वाले हैं सारे ही, क्योंकि ये डुअल टोन में कलर देख रहे हैं आप। ऊपर की साइड आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं सिल्वर काइंड ऑफ फिनिशिंग के साथ, यहाँ पर क्रोम लाइनिंग एंड क्रोम गार्निशिंग का यहाँ पर बहुत ही देखभाल कर यूज किया गया है, कोई फालतू क्रोम ही नहीं भर दिया हुआ है यहाँ पर। ज्यादातर यहाँ पर जो है ब्लैक एंड पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग का ही यहाँ पर यूज किया गया है, जिसकी वजह से कार और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और सही बताऊं तो क्रोम से ज्यादा पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग ज्यादा प्रीमियम लगती है। अभी मेनली बात कर लेते हैं कार के रियर लुक के बारे में। तो पीछे की साइड आपको ऊपर की साइड स्पोर्टियर सा स्पॉयलर मिल जाता है, जो कि दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है। एंड ऊपर की साइड आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप एंड वाइपर वॉशर
वॉशर एंड डिफॉगर आपको सभी कुछ प्रॉपर देखने को मिलते हैं। एंड नीचे की साइड आते हैं तो आपको ब्रेकिंग लाइट्स मिल जाती हैं जो कि TRL की फंक्शनिंग के साथ ही हैं। LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बस हैलोजन में आपको रिवर्स पार्किंग लैंप मिलते हैं। यहाँ पर लेजेंडर की बैजिंग मिल जाती है क्रोम के ऊपर, ये आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ। ये पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिल जाती है बड़ी बड़ी। बाकी बैजेस कुछ इस टाइप की देखने को मिलती हैं। सिग्मा 4 की बैजिंग आपको जो है 4x4 वाले मॉडल मिलती है। यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स, एंड नीचे की साइड आपको ये पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ स्किड प्लेट मिल जाती है। मेनली बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाता है, एक बटन के थ्रू ये पूरा ओपन हो जाता है, एंड की के थ्रू भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बूट स्पेस भी डिसेंट इनफ बच जाता है सारी ही रो को अप करने के बाद। एंड इस वाली पीछे वाली सीट को आप फुल्ली फोल्ड डाउन करके ऊपर की साइड भी एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपके पास अच्छा खासा बूट स्पेस जो है बच जाता है। ऐसे ही ये दोनों सीट हो जाती हैं, आगे वाली सीट फोल्ड करके भी आप पूरा बेड बना सकते हैं, चाहे तो आप लेट भी सकते हैं इस कार के अंदर। बाकी स्पेयर व्हील की प्लेसिंग आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, स्पेयर व्हील की प्लेसिंग आपको नीचे की साइड देखने को मिलती है। और इसके स्पेयर व्हील में भी आपको अलॉय व्हील मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड पीछे की तरफ ये हुक वगैरह प्रॉपर दिए हुए हैं, इधर की साइड भी एंड इधर की साइड भी। एंड ऊपर की साइड आपको लैंप मिल जाता है पीछे की साइड, जिसको आप ओपन कर सकते हैं बूट स्पेस को ओपन करने के टाइम, रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं ये सब चीज़ें। तो अभी बूट स्पेस को बंद करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है जिसके थ्रू आप इसे बंद कर सकते हैं। एंड ये भी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल में ही रहने वाला है। मेनली का इस बात कर लेता हूँ कार के इंटीरियर के बारे में, तो यहाँ पर आपको डोर के ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा इसका डार्क सा ही रहने वाला है। एंड यहाँ पर आपको सॉफ्ट टचिंग मटेरियल मिल जाता है यहाँ पर भी, एंड इधर की साइड भी, ऊपर की साइड भी। एम्बिएंट लाइट का सेटअप मिल जाता है ये इधर की साइड आपका डोर ओपनर हो गया, एंड नीचे की साइड डोर हैंडल्स, एंड इधर की साइड आपको मिलते हैं ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स जो कि कंप्लीट ऑटोमेटिक में है। लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं यहीं पर ही, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग के फंक्शन के साथ ORVM मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप यहीं से ही कंट्रोल कर सकते हैं सभी फंक्शन को। एंड नीचे की साइड मिलते हैं आपको स्पीकर की प्लेसिंग, बॉटल होल्डर एंड मैगजीन होल्डर प्रॉपर दिए हुए हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर की टोयोटा की सिल प्लेट मिल जाती है, स्टेप मिल जाते हैं जिसके ऊपर आप पैर रख के इजिली स्टेप इनसाइड हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल में सीट्स मिल जाती हैं कम्प्लीटली। हाइट एडजस्टेबल मोड के फंक्शन के साथ ही भी देखने को मिल जाती है, रिक्लाइनर एंड एडजस्टमेंट सभी टाइप की एडजस्टमेंट मिल जाती है ओवरऑल। और सीट की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लेदर सीट अपॉस्ट्रोफी देखने को मिलती है। बाकी अभी अंदर बैठ के इसका कम्फर्ट चेक करते हैं, तो अंदर की साइड बैठते हैं इसके, एंड चाबी को हम ये कहीं भी प्लेस कर देंगे। यहाँ पर ट्विन कप होल्डर इधर की साइड दिए गए हैं जो कि प्रीमियम तरीके से ओपन हो जाते हैं कम्प्लीटली। एंड अभी डोर्स को कर लेते हैं बंद, इधर की साइड आते हैं तो आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं दोनों ही साइड। ओवरऑल 6 स्पीकर मिल जाते हैं यहाँ पर जिनकी साउंड क्वालिटी भी काफी बढ़िया मिलने वाली है। और अभी इसका स्टेयरिंग व्हील देखेंगे तो यहाँ पर ये काफी स्मूथ मिलने वाला है, थोड़ी रगड वाली फील जरूर है यहाँ पर। इधर की साइड आपको इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करेंगे अभी मेनली, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है यहाँ पर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल में देखने को मिलता है। बीच की साइड आपको MID मिल जाती है, इन बटन्स के थ्रू आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है, काफ़ी सारी सेटिंग्स एंड माइलेज की इन्फॉर्मेशन, ट्रिपोमीटर वगैरह सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर ही शो हो जाती है। एंड इधर की साइड आपको एनालॉग में स्पीडोमीटर मिल जाता है 200 की टॉप स्पीड के साथ, और यहाँ पर टैकोमीटर भी मिल जाता है जो कम्प्लीटली एनालॉग में ही रहने वाला है। फ्यूल गेज भी आपको एनालॉग में मिलता है, इंजन टेम्परेचर गेज भी आपको एनालॉग में ही मिलता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील इसका काफ़ी बढ़िया सा रहने वाला है, मैस्कुलिन फील आती है यहाँ पर। स्टीयरिंग में आपको सभी कंट्रोल मिल जाते हैं, और बीच की साइड आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है वुडन फिनिशिंग के साथ। ये अपर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वुडन फिनिशिंग काइंड ऑफ यूज की गई है, एंड यहाँ पर आपको स्ट्रिचिंग दी गई है लेदरेड स्ट्रिचिंग यहाँ पर सिल्वर की फिनिशिंग के साथ। एंड सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, MID कंट्रोल करने के बटन यहाँ पर मिल जाते हैं, एंड क्रूज कंट्रोल करने के बटन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ये नॉब सा, गियर नॉब सा छोटा सा, जिसके थ्रू आप क्रूज कंट्रोल को सेट एंड रीसेट कर सकते हैं। और इधर की साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको बूट एक्सेस का बटन मिल जाता है, एंड बूट एक्सेस को यहीं से आप ऑफ भी कर सकते हैं। इंजन प्योरिफिकेशन का बटन मिल जाता है, पार्क असिस्ट यानी कि पार्किंग सेंसर्स वाला बटन मिल जाता है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं पार्किंग सेंसर्स को, फ्रंट वाले भी। बाकी बोनट एंड फ्यूल लिड वगैरह आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एंड ओवरऑल अभी इधर की साइड इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो कि है पैडल शिफ्टर, एंड ये सिर्फ आपको ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट में ही देखने को मिलेंगे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर वाली फील देते हैं, एंड बड़ी लग्जरी कार वाली फील आती है यहाँ पर।
बाकी अभी मेनली बात कर लेता हूँ कार के डैशबोर्ड लेआउट के बारे में, तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड लेआउट भी काफी प्रीमियम मिलता है। सॉफ्ट टचिंग मटेरियल यहाँ पर रहने वाला है कम्प्लीटली। ऊपर की साइड हार्ड प्लास्टिक है एंड यहाँ पर एसी वेंट एंड यहाँ पर डिजिटल वॉच दी गई है एक, इसको आप यहीं से सेट रीसेट भी कर सकते हैं इन्हीं बटन्स के थ्रू। बाकी एसी वेंट मिल जाते हैं, यहाँ से आप इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं एयर फ्लो को, जिनकी थ्रो भी ओवरऑल काफी बढ़िया ही रहने वाली है। अभी मेनली बात कर लेता हूँ कार के इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है जिसके अंदर आपको सभी टाइप के कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाते हैं जो कि फुल्ली टच स्क्रीन रहने वाली है एंड इन बटन्स के थ्रू आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड ट्रैक वगैरह आप यहां से सेट कर सकते हैं, एफएम रेडियो वगैरह जो भी मिलता है इसके अंदर। बाकी नीचे की साइड आपको इंटरेस्टिंग चीज मिल जाती है जो कि है डुअल जोन में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंड यहाँ पर आपको डुअल जोन में फायदे मिल जाते हैं काफी सारे, जिससे कि आप पीछे का टेम्परेचर अलग रख सकते हैं एंड आगे का टेम्परेचर अपने हिसाब से अलग रख सकते हैं। बीच वाले स्क्रीन के अंदर आपको सभी इंडिकेशन शो हो जाती हैं एसी की, बाकी यहीं पर ही आपको सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एयर फ्लो को भी आपका यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इधर की साइड एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ जो कि है वेंटिलेटर सीट का ऑप्शन। यहाँ पर आपको सीट्स के अंदर भी जो है फैन देखने को मिलते हैं, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड यहाँ से आपकी हवा आएगी, जो कि गर्मियों के टाइम पर एंड सर्दियों के टाइम पर भी काफी आरामदायक वाला फीचर है। बाकी इधर की साइड वापस आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले पावर सॉकेट मिल जाता है, इधर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है एंड यूएसबी केबल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आप चार्जिंग एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इधर की साइड नीचे की साइड आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग पैड एंड यहाँ पे आप फोन रख के इजीली आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं वायरलेसली। एंड इधर की साइड आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं, छोटा मोटा सिक्के वगैरह रख सकते हैं, स्पेस मिल जाता है। एंड ऊपर की साइड पैसेंजर एयरबैग ऑन एंड ऑफ की बैटरी दिखा रहा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेने के बाद आपको कुछ टाइप का गियर लीवर मिल जाता है कम्प्लीटली, एंड नीचे की साइड कोई भी आपको क्लच वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ब्रेक एंड रेस के ऑप्शन ही देखने को मिलते हैं, बस एक्सीलेटर एंड डेड पेडल वगैरह प्रॉपर दिया गया है यहाँ पर। बाकी इधर की साइड भी आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। इधर की साइड आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इकोनॉमी मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में ये गाड़ी माइलेज कम देती है बट परफॉर्मेंस अच्छी निकाल कर देती है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी मिल जाता है इधर की साइड, ऑफ कर सकते हैं यहाँ से आप। यहाँ पे मिलती है आपको आर्म रेस्ट जिसके अंदर आपको डीप स्पेस मिल जाता है एंड ये कम्प्लीटली कूल्ड स्पेस ही रहने वाला है। ऊपर की साइड आपको सॉफ्ट टचिंग मटेरियल मिलता है, ये काफी ज्यादा लग्जरी वाली फील दे रहा है एंड कंफर्टेबल फील दे रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये लग्जरी में क्या, ये तो हर एक गाड़ी में आ रहा है आजकल। एंड ऊपर की साइड आपको ऑटोमेटिक में IRVM मिल जाता है। फ्रंट शेड्स पर हमें जो है मिरर मिल जाते हैं विद प्रॉपर लैंप की फंक्शनिंग के साथ ही देखने को मिलते हैं। ऊपर की साइड हैलोजन में लैंप मिल जाता है एंड इधर की साइड आपको सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं, लैंप मिल जाते हैं LED में कम्प्लीटली एंड कोई सनरूफ वगैरह के ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। और पैसेंजर साइड वाले फ्रंट शेड की साइड भी हमें जो है मिरर मिल जाते हैं विद प्रॉपर लैंप की फंक्शनिंग के साथ एंड यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती हैं, सीट की क्वालिटी काफी बढ़िया है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेदरेट सीट अपॉचर भी मिलती है। यहाँ पर आपको एक और ग्लव बॉक्स मिल जाता है कूल्ड स्पेस के साथ, फॉर्च्यूनर की बैजिंग भी यहीं पर ही है एंड यहाँ पर एक और ग्लव बॉक्स मिल जाता है नीचे की साइड जो कि डीप स्पेस है। यहाँ पर भी लैंप दिया गया है जो कि कार को काफी ज्यादा स्पीशियस बनाते हैं एंड ये सॉफ्ट टचिंग मटेरियल है ऊपर की साइड एंड ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट कुछ टाइप का आने वाला है इस कार के अंदर अगर आप बैठेंगे। एंड अभी रियर साइड पैसेंजर्स के कंफर्ट के बारे में बात करेंगे तो पीछे की साइड भी आपको जो है क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, अंदर की साइड आपको सॉफ्ट टचिंग मटेरियल मिल जाता है कम्प्लीटली और ये छोटी सी सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ फॉर्च्यूनर की बैजिंग एंड डोर हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं। एम्बिएंट लाइट यहाँ पर भी दी गई है, ऑटोमेटिक में आपको पावर विंडो मिल जाती है, बॉटल होल्डर वगैरह प्रॉपर दिए गए एंड पर्डल लैंप आपको हेलोजन में दिया गया है, फॉर्च्यूनर वाला लैंप भी मिलता है प्रॉपर एंड यहाँ पर स्पीकर की प्लेसिंग हो गई एंड सिल प्लेट यहाँ पर नहीं है, नॉर्मल वाले ब्लैक कलर की दी गई है। स्टेप यहाँ पर आपको पैर रख के अंदर बैठ सकते हैं, सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं, 60-40 स्प्लिट के साथ ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी अंदर बैठ के बात कर लेते हैं तो पीछे की साइड का कंफर्ट बढ़िया है एंड अंदर की साइड आते तो यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, टाइप सी में रहने वाले हैं दोनों, यहाँ पर आप फोन वगैरह रख सकते हैं अपना एंड यहाँ पर कुछ भी अपने सिक्के या फोन वगैरह रख सकते हैं। एंड हम्प भी डिसेंट इनफ है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पर एंड नी रूम लेग रूम भी अच्छा खासा बच जाता है। हेड रूम के ऊपर आपको जो है एसी वेंट मिल जाते हैं एंड हेड रूम भी बढ़िया मिल जाता है, लैंप मिल जाते हैं LED के अंदर आपको एंड डुअल जोन में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसा कि मैंने आपको बताया यहीं पर ही आपको कंट्रोल मिल जाते हैं एंड इसी के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं पर ही आपको बीच की साइड स्क्रीन मिल जाती है जिसके अंदर आपको सभी इंडिकेशन शो हो जाती हैं, हैंडल्स वगैरह प्रॉपर दिए गए हैं, हेड स्पेस ज़्यादा हाइट वाला भी इजीली बंदा बैठ सकता है यहाँ पर एंड एडजस्टेबल में हेडरेस्ट मिल जाती है, बीच वाली साइड भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है। आर्मरेस्ट यहाँ पर दी गई है जो कि इस तरीके से ओपन होगी एंड यहाँ पर आपको
कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ट्विन कप होल्डर्स, इसके यहाँ पर आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, काफ़ी लग्जरी तरीके से ओपन होते हैं एंड कंफर्ट बढ़िया है। सीट की अपॉस्ट्रोफी आपको लेदरेड मिलती है, प्रैक्टिकली पीछे की साइड स्पेस ज़्यादा है एंड यहाँ पर 2 kg के हुक मिल जाते हैं, पॉकेट वगैरह प्रॉपर दी गई हैं। बाकी थर्ड रो के पैसेंजर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीट कुछ टाइप की मिलती है, टंबल फंक्शन के साथ ये रहने वाली है, फोल्ड, फुल्ली फोल्ड फंक्शन के साथ ही। ऊपर की साइड आपको AC वेंट मिल जाते हैं एंड सीट बेल्ट की प्लेसिंग भी आपको प्रॉपर दी गई है, यहीं से आप कंट्रोल करना होगा इसका AC वेंट के थ्रू भी। तो भाइयों अगर आप भी कोई कार देख रहे हैं 40 से 50 लाख के बजट में तो ये कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बजट रेंज में सबसे ज़्यादा रिलायबल कार, सबसे ज़्यादा पावरफुल कार यही मानी जाती है एंड यही कार है भी। तो अगेन मैं भी यही कहूँगा आपसे कि ये कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इस बजट रेंज में कंपटीशन काफ़ी कम है एंड फॉर्च्यूनर ने अपनी मोनोपोली जो है जमा रखी है और इस कार का भौकाल अलग ही जमा हुआ है इस कार में। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप यही कार ले लीजिएगा आप 50 लाख के बजट में, और फॉर्च्यूनर को लेने वाला बंदा बार बार नहीं सोचता। बाकी गाइस अभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कार कैसी लगती है एंड इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर को लेने के बारे में सोच रहा है। और गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी कार से रिलेटेड या इस कार से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।